बच्चों नमस्कार, आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों डिस्कस कर रहे थे, अगला होता है नेक्स्ट आता है मेंडेलियन। मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमन, इन ह्यूमन और इनहेरिटेंस ऑफ inheritance of some genetic disorders of man। तो मैंने मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमन, मतलब मनुष्य में मेंडेलियन बदकमता या जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स ऑफ द मैन इनहेरिटेंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो है वो। तो बहुत इम्पॉर्टेंट हेडिंग है ये फॉर द एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू एज वेल एज द नीड एज वेल एज द ऑल द बोर्ड्स, क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर होता है, बड़ा इम्पॉर्टेंस है ये। अब आता है कि इसमें सबसे फर्स्ट आती बात आती है, फर्स्ट जब बात करते हैं तो आता है एल्बिनिज्म। फर्स्ट हेडिंग होता है एल्बिनिज्म, और इसको हिंदी में बोलते हैं रंजकहीनता। तो रंजकहीनता क्या है, एल्बिनिज्म क्या होता है वो? एक्चुअली स्किन का कलर जो डार्क होता है वो, और इसके अलावा बालों का कलर, माने फर्स्ट होता है स्किन कलर और सेकंड होता है हेयर कलर, माने हेयर जो ब्लैक होता है, और सेकंड होता है कि जो आंख माने प्यूपिल ऑफ आई। तो ये जो तीनों होते हैं इसकी विशेषता क्या होती है कि इन तीनों में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट होता है वो, और उस पिगमेंट को माने पिगमेंट होता है, और इस पिगमेंट को मेलानिन पिगमेंट बोलते हैं, कहते हैं वो मेलानिन पिगमेंट होता है वो, और मेलानिन के कारण जो होता है स्किन कलर ब्लैक होता ही है, हेयर कलर माने हेयर जो होती है ब्लैक होती है, और आई का कलर जो होता है वो माने पुतली जो होती है वो भी ब्लैक होती है। अब आती है कि इस मेलानिन जो होता है इसके संश्लेषण हेतु, माने मेलानिन के संश्लेषण हेतु एक विशेष प्रकार का एंजाइम, और वह एंजाइम होता है टायरोसिनेज। माने कि इस मेलानिन के संश्लेषण के लिए टायरोसिनेज एंजाइम की आवश्यकता होती है वो, माने टायरोसिनेज जो होता है यह एक एंजाइम है वो, इस एंजाइम की आवश्यकता होती है वो। अब आती है कि इसमें जो होता है वो, और यह एंजाइम जो होता है यह एक डोमिनेंट जीन माने प्रबल जीन या प्रभावी जीन, प्रबल जीन या प्रभावी जीन के प्रभाव से उत्पन्न होता है वो। अब आती है कि डोमिनेंट जीन का होता है वो, लेकिन अगर रिसेसिव जीन हो, रिसेसिव या अप्रबल जीन होता है, तो अप्रबल जीन अगर होने पर तो ये क्या काम करता है, एल्बिनिज्म माने एल्बिनो का करेक्टर जो है वो लाने का वर्क करता है वो। अब आती है कि इसमें क्या होता है वो कि
माने एल्बिनिज्म, माने एल्बिनो करेक्टर उसमें होता है जिसमें कि रिसेसिव जीन पाई जाती है। तो इस केस में क्या होता है कि स्किन कलर हेयर कलर और पीपल ऑफ आई जो होती है, माने स्किन कलर क्या बोलते जो है ये सब जो होती है, जैसे स्किन कलर बिल्कुल जो है सफेद कलर की रहेगी, हेयर कलर स्किन जो होता है बिल्कुल जो है वो व्हाइट रहेगा, मतलब कि इसमें गोरा टाइप रहता जो है वो, और हेयर कलर बिल्कुल जो है व्हाइट रहेगा, और पीपल ऑफ वाई आई, पीपल ऑफ आई जो होती है इसमें ब्लड कैपिलरीज खूब मात्रा में दिखाई पड़ती हैं। तो ये जब जो होता है माने मेलानिन की एब्सेंस होता है वो। अब आती है कि इसको माने कि किस प्रकार से इसमें इनहेरिटेंस होता है वो। अच्छा, इस केस में क्या होता है, इसमें कैसे इनहेरिटेंस होता है और किस प्रकार से इसकी वंशगत होती है। तो एल्बिनिज्म में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि मेल जो है रिसेसिव माने ए है वो, और फीमेल हेट्रोजाइगस है वो, माने इस टाइप से हेट्रोजाइगस है वो। तो इस केस में क्या होता है कि फीमेल का जो ओवम होगा वह कैपिटल ए स्मॉल ए, और मेल का जो स्पर्म होगा वह हो जाएगा स्मॉल ए और स्मॉल ए। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से जो इसका चार्ट बनाएंगे, ये इधर हो गया फीमेल की तरफ हो जाएगा, मेल का हो जाएगा, जब चार्ट बनाएंगे कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, इससे क्रॉस कर लेगा तो कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए हो जाएगा जो है वो। तो कैपिटल ए स्मॉल ए जो है चूंकि ए डोमिनेंट है रिसेसिव है वो, तो यहां पर नॉर्मल मैन हो जाएगा जो है वो, नॉर्मल। और कैपिटल स्मॉल ए तो कैपिटल ए डोमिनेंट हो जाएगा, स्मॉल रिसेसिव हो जाएगा, और ए भी क्या हो जाएगा, ए नॉर्मल हो जाएगा जो है वो नॉर्मल। और ए वाला चूंकि रिसेसिव दोनों जीन है वो, इसमें मेलानिन पिगमेंट जो है ए माने कि फॉर्मेशन नहीं होगा, और उसका परिणाम क्या हो जाएगा जो है ये एल्बिनो हो जाएगा जो है वो एल्बिनो, और ये संतान क्या हो जाएगा एल्बिनो हो जाएगा जो है वो। अब आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में क्या हो जाता है, इसकी जो वंशगत हो जाएगी 50% तो नॉर्मल हो जाएगा और शेष 50% जो है वह एल्बिनो हो जाएगा जो है वो एल्बिनो, माने ये रेशियो मिलता है। और इसमें किसको क्या बोलते हैं, ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर है और इसको क्या बोलते हैं, एल्बिनिज्म बोलते हैं जो है वो। अब आती है नेक्स्ट है एल्केप्टोन्यूरिया। नंबर वन एल्बिनिज्म हो गया, नंबर सेकंड मेंडेलियन डिसऑर्डर, और उसको कहते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया। तो एल्केप्टोन्यूरिया जो होता है ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर में होता जो है वो। तो असल में एंजाइमों की कमी से मनुष्य में कुछ ऐसे जन्मजात रोग हो जाते हैं जो कि उपापचयिक माने मेटाबॉलिज्म डिजीज बोलते हैं वो, इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर डिजीज कहलाता जो है वो, माने उपापचयिक। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, माने कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिसऑर्डर को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं वो। अब इसमें क्या होता है कि इसका एल्केप्टोन्यूरिया को सबसे पहले गैरेट एक साइंटिस्ट आए हैं वो, गैरेट ने इसका वर्णन किया था जो है वो, और इन्होंने माने कि एल्केप्टोन्यूरिया की खोज एल्केप्टोन्यूरिया डिस्कवर्ड बाय द डिस्कवर्ड
डिस्कवर्ड बाय द गैरेट साइंटिस्ट, यानी गैरेट ने जो है इस एल्केप्नुरिया की खोज किया था जो है वो। अच्छा, एल्केप्नुरिया पहले होता क्या चीज है वो? एल्केप्नुरियम जो होता है ये एक मेटाबॉलिक एरर डिजीज होता जो है वो, और इसमें एल्केप्टान जो है यह इस पदार्थ का, माने क्या मतलब, इस केस में क्या होता है कि दो विशेष प्रकार के पदार्थ, एक फिनिलेलनाइन और सेकंड होता है टायरोसिन। सेकंड है टायरोसिन, माने फिनिलेलनाइन और टायरोसिन, ये दोनों जो होते हैं ये दोनों एमिनो एसिड होते हैं जो है वो, एमिनो एसिड होते हैं। फिनिलेलनाइन और टायरोसिन जो है दोनों एमिनो एसिड होते हैं जो है वो। अब आती है कि दोनों जो एमिनो एसिड होते हैं इनको, इनके उपयोग से संबंधित जो है वो एक चरण में होमोजेनेटिक एसिड इसका फॉर्मेशन होता है वो। अब आती है कि स्वस्थ मनुष्य जो होता है इसका उपयोग जो है मेटाबॉलिज्म के तहत कर लेता है वो, लेकिन जो इसका पेशेंट होता है उसके बॉडी में, माने जो एल्केप्नुरिया का जो पेशेंट होता है उसके बॉडी में जो है वह पदार्थ का माने आगे का विखंडन नहीं कर पाता है वो, और उसका परिणाम क्या होता है, इस पदार्थ का जमाव हो जाता है वो, और उसका परिणाम से क्या हो जाता है कि एल्केप्टान नामक पदार्थ जो होता है वह यूरिन से बाहर निकलना शुरू हो जाता है वो। तो एल्केप्टान जब बाहर निकलना शुरू हो जाता है तब ए यूरिन जब बाहरी ओटू के कांटेक्ट में आता है वो, तो यूरिन एल्केप्टान कारण जो है इसमें क्या होता है, यूरिन ब्लैक हो जाती है वो। अच्छा, और सेकंड थिंग क्या होता है कि इसके जमाव से, माने इस अम्ल के जमाव से आर्थराइटिस माने क्या, जो गठिया डिजीज होती है वो जोड़ों में दर्द, गठिया जो रोग होता है वह मनुष्य में ये दिखाई पड़ता है वो। तो ये जो होता है, जो होमोजेनेटिक एसिड होता है इस केस में क्या होता है कि इसमें के विखंडन के लिए आवश्यक जीन जो होता है एक प्रबल जीन के एंजाइम के कंट्रोलिंग में ये होता है वो, लेकिन जिस मनुष्य में इससे संबंधित दोनों जीन रिसेसिव होते हैं वो, दोनों जीन जो होता है इसमें रिसेसिव होते हैं उसमें ए एल्केप्नुरिया का लक्षण दिखा, माने रोग दिखाई पड़ता है, माने जो रिसेसिव जीन होता है उसमें यह रोग, उस मनुष्य में यह रोग दिखाई देता है वो। तो अब ये बात नहीं जो है वो, तो नंबर सेकंड क्या हो गया, मेंटल डिसऑर्डर एल्केप्नुरिया हो गया जो। अब थर्ड आता है, थर्ड हम बात करते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर का, नंबर थर्ड फॉर्मेशन ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी टू टेस्ट फेनिल थायोकार्बेमाइड, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं पीटीसी, शॉर्ट में जो है इसको हम पीटीसी बोलते हैं, और पीटीसी मींस होता है फेनिल थायोकार्बेमाइड। तो इसमें क्या होता है कि जो तीन प्रकार के नाइट्रोजन, तो नेक्स्ट नंबर थर्ड है ये, मेंडेलियन डिसऑर्डर का थर्ड है,
तो इसमें क्या होता है कि तीन प्रकार नाइट्रोजन माने एक प्रकार कंपाउंड होता है वो उसका फॉर्म नाइट्रोजन कार्बन और सल्फर, नाइट्रोजन कार्बन और सल्फर से मिलकर के जो होता है फेनिल थायो कार्बेमाइड एक केमिकल का फॉर्मेशन होता है वो। तो अब इसमें क्या होती है कि तो यौगिक है वो और यह जो पीटीसी होता है इसका फॉर्मेशन नाइट्रोजन कार्बन और सल्फर से मिलकर के होता है वो। और यह पीटीसी जो है टेस्ट, इसका टेस्ट जो है तीखा होता है वो, माने बिटर टाइप होता है वो, तीखा होता है वो। अब आती है कि तीखा होने के कारण तीखा होता है वो, और लगभग 30% जो है आबादी में लगभग 30% जो है वो इसके टेस्ट को आभास नहीं कर पाते हैं वो। तो वास्तव में इसको ये जो होता है तो इस क्षमता का विकास, माने इस क्षमता का विकास जो है वो एक विशेष प्रकार का जीन, माने जीन उसको बोलते हैं डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन माने कैपिटल टी, कैपिटल टी के प्रभाव से जो है इसको एक कंट्रोल करता है वो। लेकिन अब ये आती है कि जिन सदस्यों में रिसेसिव जीन माने अप्रभावी जीन, रिसेसिव जीन स्मॉल टी पहुंच जाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें जिसमें डोमिनेंट जीन है वो जिसमें रिसेसिव जीन ए पहुंच जाते हैं वो, उसमें जो होता है इसके टेस्ट की क्षमता का विकास नहीं होता है। माने इसको कंट्रोलिंग के लिए डोमिनेंट जीन है वो, और जिसमें रिसेसिव जीन पहुंच जाता है स्मॉल टी उस मनुष्य में इसके टेस्ट का आभास जो है वो, टेस्ट के क्षमता का उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाता है वो। ये है ये नंबर थर्ड हो गया। नंबर फोर्थ, नंबर फोर्थ फेनिल क्यूटोनेरिया, फेनिल क्यूटोनेरिया शॉर्ट में इसको पीकेयू बोलते हैं, फेनिल क्यूटोनेरिया शॉर्ट में जो है इसको हम पीक्यूई बोलते जो है वो। अब आती है कि इसमें जो होता है फेनिल क्यूटोनेरिया फेनिलएलाइन इसमें क्या होता है वो, तो एक विशेष प्रकार का एमिनो अम्ल, और उस एमिनो अम्ल को कहते हैं फेनिलएलाइन, फेनिलएलाइन को टायरोसिन, टायरोसिन। तो फेनिलएलाइन जो होता है इसको शॉर्ट में पीएचई बोलते हैं वो, और टायरोसिन को शॉर्ट में टीवाईआर वो कहते हैं वो। और ये दोनों जो होते हैं ये दोनों एमिनो एसिड होते हैं वो, ये दोनों जो होते हैं एमिनो एसिड होते हैं वो। और एमिनो एसिड का फॉर्मेशन जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस और कभी कभार सल्फर से मिलकर के ये बना होता है, जैसे कि मिथियोनाइन में सल्फर मिलता है वो। तो अब आती है कि जो फेनिलएलाइन जो एमिनो होता है उसको टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक विशेष प्रकार की एंजाइम की आवश्यकता होती है, और वो एंजाइम कहलाता है फेनिलएलाइन हाइड्रोक्सिलेज, फेनिलएलाइन हाइड्रोक्सिलेज माने कि इसको कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसको इसमें माने फेनिलएलाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए
फिनलेलाइन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम की कमी होती है वो। अब उसका परिणाम क्या होता है कि कमी होने के कारण, माने फिनलेलाइन हाइड्रॉक्सिलेज की कमी होने के कारण ब्लड में फिनलेलाइन नामक एमिनो अम्ल की मात्रा जो होती है वो बढ़ जाती है वो। और इसके अलावा जो होता है कुछ अन्य प्रक्रियाओं द्वारा, माने बॉडी में कुछ अन्य प्रक्रियाओं द्वारा, माने मेटाबॉलिज्म द्वारा जो है वो ये फिनलेलाइन जो है वो फिनिल पायरबिक एसिड, माने फिनलेलाइन जो होता है इट इज कन्वर्ट इनटू द फिनिल फिनिल पायरबिक एसिड, माने फिनिल पायरबिक एसिड में यह कन्वर्ट हो जाता है वो। अब आती है कि फिनिल पायरबिक एसिड जो कन्वर्ट हो जाता है, यह फिनिल पायरबिक अम्ल यूरिन द्वारा जो है ये बाहर निकलता है वो। अब आती है कि इसके अब क्या होता है कि जब बाहर निकलता है और क्या होता है कि माने टिश्यूज में, विशेष करके ब्रेन में, ब्रेन के नर्व सेल में एक फिनलेलाइन जो है वो फिनलेलाइन जमा हो जाता है वो। और जमा होने के बाद जो है वो मेंटल संबंधी, माने कि मेंटल संबंधी विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। और क्या होता है, बच्चों की बुद्धि जो होती है वो बाधित हो जाती है वो। नस क्या हो जाता है वो कि इसमें जो होता है इसका जो यूरिन और माने मनुष्य में यूरिन और जो पसीना निकलता है वह बदबूदार होता है वो। इसमें और ये क्या होता है जिन व्यक्तियों में इससे संबंधित, माने इस एंजाइम से संबंधित दो जीन जो होते हैं रिसेसिव होते हैं, वो जीन जो होते हैं रिसेसिव माने अप्रबल जीन होता है, उसी मनुष्यों में जो होता है माने इस एंजाइम से संबंधित जो जीन होता है वो, और वह जीन जो रिसेसिव जीन होता है, जो रिसेसिव जीन है उसी से यह फिनिल कीटोन्यूमेलुरिया नामक रोग हो जाता है वो। और देखने में आता है कि लगभग दस हजार व्यक्तियों में से जो है एक व्यक्ति में यह बीमारी फिनिल कीटोन्यूरिया होती है। ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है मेंडेलियन डिसऑर्डर। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया, नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर नंबर फिफ्थ, सिकल सेल एनीमिया और इसकी हिंदी होती है हसियाकार रुधिराण अरक्तता रोग, हसियाकार रुधिराण एनीमिया। माने इस केस में क्या होता है कि यह भी रिसेसिव जो है वह जीन संबंधी रोग है वो। तो माने इसमें क्या है, तो इस केस में क्या होता है, लो ऑक्सीजन टेंशन और इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया कंडीशन में क्या होता है कि यह भी रिसेसिव जीन से संबंधित बीमारी होती है वो, जिसमें जो होता है, जिसे मान लीजिए हमारा आरबीसी है वो, तो आरबीसी जो होता है ह्यूमन का वह ओवल शेप होता है, एन्यूक्लिएटेड होता है और इसी में जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो। और हीमोग्लोबिन जो है ये क्या काम करता है कि एक हीमोग्लोबिन अणु
फोर ओ टू को ट्रैप मतलब बांध करके एक टेम्प्रोरी कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और इसको बोलते हैं ऑक्सी, एक कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है जो है इसका फॉर्मेशन करता है वो, और एक टेम्प्रोरी कंपाउंड टेम्प्रोरी यौगिक होता है वो। तो इस केस में क्या होता है कि जब जो होता है कि माने क्या मतलब कि इस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो ओवर शेप होती हैं, तो इस डिजीज में क्या होता है कि हसियाकार माने क्या मतलब कि इसका आकार ऐसी माने सिकल सेप हो जाता जो है ऐसे दिखाई पड़ता है वो। और उस कंडीशन में क्या होता है कि O2 का परिवहन जो होता है वह उतनी अमाउंट नहीं हो पाता है वो, और ऑक्सीजन की अभाव में आदमी जो होता है वो मृत्यु प्राय हो जाता जो है। अब आती है कि इस कंडीशन में होता क्या चीजें और किस प्रकार से ये वर्क करता है वो। तो हीमो माने कि ए भी जो होता है हीमोग्लोबिन है वो, तो हीमोग्लोबिन के चेन में दो माने अल्फा चेन और सेकंड होता है बीटा चेन, अल्फा चेन और बीटा चेन इसकी दो दो चेन होती जो है माने कुल चार चेन होती इसमें जो है वो। तो जो बीटा चेन होता है उसका प्रथम अणु नॉर्मल केस में क्या होता है प्रथम जो अणु होता है वह वैलाइन की प्रस्तुति होती जो है वो, और जो सिक्स जिस जो जो छठा एमिनो अम्ल होता है वह ग्लूटामिक एसिड आज उसे ग्लूटामेट बोलते हैं वो, उसकी प्रस्तुति होती है वो। लेकिन जो इस केस में क्या होता है कि जीन म्यूटेशन होने के कारण जो प्रथम वैलाइन का अणु होता है यह ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस करके यहाँ पर वैलाइन पहुंच जाता है वो, और उसका परिणाम क्या होता है जीन म्यूटेशन से जो होता है ए जो होता है इसमें रिसेसिव एलील्स माने क्या मतलब कि रिसेसिव एलील काम करते हैं वो, और जीन म्यूटेट हो जाता है वो, और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन यस माने त्रुटिपूर्ण जो है वो आरबीसी हो जाती है वो, सिकल शेप हो जाती है वो। अब आती है कि इस केस में क्या होता है इसका सिकल शेप का सबसे पहले पता जो है वो दो वैज्ञानिक आए हैं वो, और इसको बोलते हैं नील एंड बीट नामक साइंटिस्ट ने इसको पता लगाया है वो। अब आती है कि इस केस में क्या होता है कि इसकी वंशागति माने कि जो इनहेरिटेंस होता है वो इनहेरिटेंस उस केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसका संकर जीनोटाइप एएस है वो, जीनोटाइप ये मान लीजिए एक मेल हो गया फीमेल हो गया, और अगर कोई मेल है वो ये फीमेल ऊपर हो गया और यहाँ पर एएस माने हो गया, तो अगर ए है और इससे एएस हो जाएगा यहाँ पर एस हो जाएगा और यहाँ पर एस हो जाएगा वो, तो जो ए होगा ए जो ए संतान होगी इसमें तो नॉर्मल होगा वो, नॉर्मल मीन्स आरबीसी नॉर्मल होगी जो है वो, और जो हेट्रोजाइगस होगा माने एस होगा उस केस में क्या होगा कुछ आरबीसी जो है ओवल शेप होंगे और कुछ सिकल शेप होंगे जो है वो। लेकिन जो यस वाला होता है माने रिसेसिव जीन होता है वो, इसमें सभी जो होते सिकल शेप वाले होते हैं वो, माने इसमें आर जो है वो सुप्त जीन वाले होते हैं वो, क्योंकि सुप्त जीन संबंधित रोग है वो तो सभी सुप्त जीन वाले होते हैं वो, तो नॉर्मल लाइफ जीता है वो। लेकिन जो सुप्त जीन वाला होता है इसको अगर अधिक मेहनत वाला वर्क करना है वो, तो लो ऑक्सीजन चूंकि उतना मात्रा में जितनी मात्रा में O2 चाहिए उतनी मात्रा में O2 ना मिल पाने कारण जो है वो यह परिवहन नहीं हो पाता O2 का, और हाइपोक्सिया होने से वह आदमी अधिक मेहनत करेगा तो मर जाता है। लेकिन जो हेट्रोजाइगस कंडीशन ए वाली कंडीशन होती है
माने हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक आदमी अगर उतना मेहनत न काम करे तो आराम से अपने लाइफ साइकिल को ही पूरा कर सकता। तो ये रहा की बातें, इसमें आता है तो बोलते हैं थैंक यू, इसको शेयर करिएगा।